दो साल का एक्सपीरियंस चोरी करने के लिए। हमने मीशो से 3 टॉप मंगाए। कुछ अप्सराएं आई है। पहले चना और मिर्ची को न हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए दिन की शुरुआत में। हमें आपकी मानसी एंड आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, प्यार से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे एंड पटना से कल वापस हम आ गए थे, बट कल हम कुछ भी शूट किए नहीं। सोचिए कि चलो आज से फ्रेश नया एकदम नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तुम भैया का चल रहा है पढ़ाई लिखाई, चश्मे का दिख रहा है चश्मा में सबको सही, ठीक है पढ़ो जल्दी से याद करो वाला चैप्टर। कल रात में पता है चना फूलने दिए थे, हमको कुछ नहीं मिला सामने में, तो पता है क्या चीज में दिए थे, प्लास्टिक में, और चना मस्त फूल गया। अभी चना का बनाएंगे हम लोग टोसा, मतलब एक रेसिपी देखे हुए हैं तो चलो ट्राई करते हैं। पहले चना और मिर्ची को ना अच्छे से पीस लेते हैं। पता है कल कितना सोए हैं हम, सुबह आए घर 5 बजे, 5 बजे से 11 बजे तक मस्त सोए, उसका फिर खा पी के नॉर्मली दुकान गए, दुकान से वापस आए 2 बजे, 2 या 3 बजे सोते, सर में बहुत दर्द हो रहा था, दवाई खाए उसके बाद जाके उठते 6:30 बजे, खूब सोए कल। और उसके बाद फिर रात में सोए 2 बजे, बहुत लेट हो गया था सोने क्योंकि वीडियो एडिट हुआ नहीं था, वीडियो एडिट करने के लिए बैठ गए तो 2 बजे सोए, तो फिर आज जाके 8:30 बजे के बाद ही उठे। घर पे बन रहा, देखिए कद्दू का सब्जी, मम्मी हमको बोले इसको चलाने के लिए, और सत्यम लेके आ रहा है सूजी, तो सूजी के साथ ही चना को वो पीस लेंगे, लेते जो हम 2-3 बार ले आएंगे। इसमें ना पानी के साथ नमक भी ऐड कर लिए, तो टूटा हुआ से क्या मतलब है, बाल्टी में मिट्टी लाना है तो वो शीशा वाला जो बोतल लाया मेरी मम्मी उसी पड़ी हुई है, तुम शीशा का बोतल का आएगी चिकन को सुंदर लगा, सब चीज क्या हमको जैसे तुम सुंदर लगते हो, सब चीज सुंदर लगता है। और गाइस यहाँ हमारा मिक्सचर तैयार है, इसका नमक वगैरह चखेंगे एंड टोसा बनाने का ट्राई करेंगे। मिक्सचर में ऐड करते व्हाइट वाला नमक और साथ में मिर्ची पाउडर, अरे खंगार के रख देंगे यार मम्मी, रुको ना बाद में कैसे बनाऊंगा, इंसान को भूख अभी लगा तो बाद में कैसे बनाएगा वो, हम तो ये सोच रहे अगर ये अच्छा बनेगा तो हम ले आ जाएगा तो अच्छे लगेगा। देखते हो ना आधा खाना बनाते बनाते पापा भी हमको नीचे बुला रहे हैं, मम्मी बोलती है ना तुम पहले नीचे ही चले जाओ, कैसे बनाए, ये बना लेते हो खा लेते हो, छोड़ो हम ना चीज लेके आते दुकान से फिर बनाएंगे, पता है पूरा तावा गर्म है मेरा, कोई बात नहीं चलिए आते हैं दुकान से, अब काफी टाइम के बाद दुकानदारी करते हैं आप लोगों के साथ। ये तीनों भी हो गया घर वाला ना, पापा कितना सारा मिट्टी लाए, 1, 2, 3, 4, 5 बोरा मिट्टी आ गया, अब सब मिलेगा प्लांट। गाइस मैं आ चुका हूँ दुकान से और थोड़ा देर के लिए ही बस पापा बोला था क्यों धक्का धक्का धुक्की मत करो यार, सबको कमेंट करने का मौका दूंगा, सबको सब्सक्राइब करने का मौका दूंगा, दे दो सब्सक्राइब कर दो, चलिए हम बनाते अपना डोसा। कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे क्या लाइक, हल्का सा इसमें पता है चीज भी बीच में ऐड किए, और चलिए हमारा डोसा उनके तैयार है, थोड़ा मोटा मोटा बना है बट ठीक है, नाश्ता तैयार है, खा के देखो मामा कैसा है, बताओ कैसा है, प्याज प्याज देती तो ना अच्छा बनता, मम्मी डोसा में प्याज थोड़ी डालेंगे, मोटू शेक पलंग पर रेट कैसा लगा, कैसा लगा मम्मी, रिव्यू भी देना होता है यार, चूहे लगा ना बोल रही है सादे अच्छा लगता है सॉस के साथ, सॉस तो मजबूरी है, हम सोचे धनिया पत्ता का चटनी बनाएंगे, नहीं पसंद है केचप, पर धनिया पत्ता था नहीं तो चटनी बनाया ही नहीं, ऐसा हम अपना भेज भूसा बना के रखे है, देखते हो कल लीची को हम डाले थे फ्रीजर में और ये जम गया, जमने के बाद इतना ज्यादा एक्स्ट्रा क्यों निकल जाता है, ये लॉजिक आपको पता है तो बताइएगा, तो उसको पिघलने का वेट करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा आइसक्रीम बन गया, इसको काट के आइसक्रीम बना सकते हैं, यस आइडिया अच्छा है, अब इसके अंदर वो काटना पड़ेगा लेकिन अभी काटेंगे क्या चीज़ से, चलो कोई ना इसको पिघलने देते हैं। हम ना मीशो से 3 टॉप मंगाए थे कुछ इस तरह का था, एक क्रीम और एक ब्लैक है इसमें, लेकिन ना इसको हम पहने ना तो उसका एक साइज हमको सोच रहे बड़ा ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इसका साथ ही में देखो ना क्या हुआ यार, मेरा घड़ी पता नहीं कैसे टूट गया, अभी पर्स से सारा सामान निकाले तो पता चलता है घड़ी टूट गया, यार अलग ही दुख है ये मेरा, हो गए रेडी एंड ये है मेरा आज का आउटफिट, येलो कलर का कुर्ती पहने एंड सामने ना हमको जाने का दादी के साथ डॉक्टर के पास, बट अभी ऑफिस का भी कुछ कुछ काम है, बहुत सारा काम इधर उधर हो गया तो सारे को एक बार ट्रैक पे ले आते हैं, सारे को सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद फिर सामने चलेंगे दादी के साथ डॉक्टर के पास, बट चलिए उससे पहले करते हैं पूजा। एक चीज उसके हाथ में कभी अच्छे से रहा है, चश्मा इधर से उधर रखते रहता है सत्यम, बापरे कितना गर्मी है यार, पैर जल गया है, लग रहा है कि हम गर्म गर्म पानी में अपना पैर रख लिया है, वो रिलैक्स फील नहीं होता, वैसा रिलैक्स फील हो गया, 5 सेकंड चल ले हमको बताइए, दिखा मेरा पूजा पाठ तो आज का हो चुका है और देखिए ना कितना ज्यादा गर्मी है यार, एकदम फेस ऐसे चमकता है, लग रहा है फेस पर लाइट जल रहा हो, वो वीडियो था ना एक प्रचार देता था जो लाइट का वो डायमंड खा के अपना दांत चमकाता था, एकदम वैसे चमक जाता है मेरा एक्सपोजर से मेरा फोन, मतलब मेरे फोन के एक्सपोजर से मेरा चेहरा,
बाकी पूजा पाठ तो हो गया हमारा। चलिए अभी चलते हैं, इतने कड़े धूप में हम लोग ऑटो से ऑटो का सफर करते हैं। कहीं जाने से पहले एक पीस अचार, ताजा ताजा अचार खाने का एक अलग ही मजा है यार। नंबर लगाना था, कितने बजे बैठेंगे डॉक्टर? अभी बैठे हुए हैं, कब तक रहेंगे? आज था संडे, डॉक्टर का टाइमिंग ना अलग था। हम नंबर लगा लिए हैं और दादी आधे घंटे में आएगी, बस आधा घंटा हमको यहाँ इंतजार करना है। बोला शाम में 5 बजे बैठेंगे, तो हम नंबर लगा के चल जाएंगे, शाम में दादी को दिखा देंगे। लेकिन पता चला कि अभी ही डॉक्टर बैठे हुए हैं, अभी 1 घंटा और बैठेंगे तो दादी आधा घंटे में आ जाएगी। हॉस्पिटल में वीडियो बनाना थोड़ा सा तो टफ है यार, सबको सामने से ऐसे देख रहे क्या ही बोले। बैठे बैठे मेरा मन कर रहा है अपने बॉडी को वेट करे, रुके ये वाले भैया को यहाँ से जाने दीजिए। उसके बाद मेरा वेट, दादी भी घर से निकल चुकी है, पापा कॉल किए थे, अंदर बैठ के हम थोड़ा बोर हो रहे थे, प्यास भी लग रहा था बड़ा जोर का, बस बाहर निकल के हम पीने लगे ये पेपर बोट का गुआवा फ्लेवर वाला जूस। देखिए क्या ही परफेक्ट टाइम है, दादी भी आ गई। नंबर तो आ गया होगा ना? नहीं, अभी कोई दवाई नहीं। दादी को डॉक्टर को दिखा के भेज दिए और हम आ गए अभी चुपचाप खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत जोर का लगा, सोचे खा लेते उसके बाद चलेंगे। इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है कि क्या ही बताए, बन के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। पंखे से तो हवा ही नहीं आ रहा और हीटर से तो हीटर बोल रहे, मतलब लैपटॉप से तो ठंडा ऑफिस गर्मी में दिमाग भी काम नहीं करता, क्या ही बोलना चाह रहे हैं। मतलब लैपटॉप से और हीटर का गरम गरम हवा आ रहा है, बाकी काम आए इधर काम स्टार्ट किए, बच्चों का है 4 और अभी हम थोड़ा पैसा डिस्ट्रीब्यूट का काम कर रहे थे। चलिए ये वाला काम करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा और काम है और फिर हम निकलेंगे यहाँ से। बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है यार। गाइस मेरे बाल देख लीजिए कितना प्यारा कर्ल आया है उस सुबह से। एक्चुअली में वो जो बन बना के रखे ना उसकी वजह से इतना सुंदर सा कर्ल आ गया, तो सोचे कि चलो पोनीटेल कर लेते हैं, और जब ऊपर में चोटी करते तो काफ़ी प्यारा लगता है, हमको अच्छे लगते हैं हम। खैर फिलहाल तो क्या कहते हैं, इतना गर्मी लगता है कि क्या ही बताएं यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लिटरली पंखा में ना स्पीड है बट इतना ही ज़्यादा गर्मी लगता है कि क्या ही बोले। बाकी 3 बजे आए थे इधर, सारा काम निपटा लिए, बाकी पैदल पैदल से जा रहे हैं, चाय पियेंगे। एंड दादी को वो नंबर लगाना था इसलिए आज हम 1 बजे निकले थे, फटाक से नंबर लगाए। हमको तो लगा था कि शाम में हमको जाके वो करवाना पड़ेगा, मतलब डॉक्टर को चेकअप करवाना पड़ेगा, बट आज संडे को लेके डॉक्टर अंकल सुबह ही बैठते हैं, मतलब शाम में नहीं बैठते, तो अच्छा चलो सही टाइम पर हम चले गए थे नंबर लगाने के लिए, काम हो गया उधर का। और बस चलिए इवनिंग वॉक करते हुए चल रहे हैं। अभी का मौसम कितना प्यारा हो जाता है गर्मी के टाइम पे ना, 5-6 बजे के बाद ही घर से निकलने का है। अब बात है गाइस, हम लोग आए थे चाय पीने के लिए, भूल गए थे कि आज संडे है, रुपया का दुकानें बंद है। हम अपना ब्लॉग भूल के वहाँ इंस्टाग्राम का स्टोरी पे ब्लॉग बना रहे, बताइए गाइस। हम अपना फेक अकाउंट का कहानी सुना था, अभी मेरा जो इतना सारा फेक अकाउंट बन रहा है ना, पता नहीं क्या ही करना है लोगों को। सब पे बायो में, कोई बायो में ऐसा लिख दिया मानसी गुप्ता डॉक्टर, और मतलब ऐसा सभी बायो सब बना बना के रखा है। खैर छोड़े ये सब, अभी हम फिलहाल आ गए उधर से घूमते घूमते, वहाँ ध्रुपया का दुकानें बनता, बताए ना वो यादों नहीं है, बताओ हम स्टोरी में यहाँ बताया कि नहीं, यादों नहीं है। तो चलते चलते इधर आदम, कैसे हो ऋषभ? 4 दिन भागलपुर में क्या क्या किया बताओ? काम काम काम, बस काम, इतना काम किया कि सैलरी आज हम बांट रहे थे। मेरे काम करने का फायदा। हाँ रे, आज संडे को लेके उधर तो चाय का दुकान ही बंद था, और आगे हम नए जगह पे चाय ट्राई करने के लिए। ये है CMS स्कूल आदमपुर चौक का, और बस यहीं पे बैठे हैं, आंटी भी बैठी है हमारे साथ, चाय का वेट कर रहे हैं। तो प्यारा हवा चल रहा है, अच्छे से मौसम में प्यारा प्यारा चाय पीने के साथ गर्मी खत्म हो गया। देखिए हम बैक होम, और घर आने में आज थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि लेट से हम ऑटो में बैठे थे और ऊपर से बाबू मेला क्या जाएंगे, देखा दुकान आने के साथ पता है दुकान में रुक गए थे, भीड़ है वहाँ दुकान में, कैसे निकलेंगे हम। रूबी भी आई थी बोलने के लिए, देखते हैं होगा तो जाएंगे। अरे बगल में ना ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, यज्ञ हो रहा है, महायज्ञ, पिछले 9 या 10 दिन से आज लास्ट है, देखते हैं जाएगी। देखो देखो आई 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 जाएगी मैडम, हम खाली चितवा बनाएंगे उसके बाद फ्री, अब तुम फ्री हो उसके बाद हम जब तक चाय नाश्ता देखे फ्री होते हैं, देखते हैं थोड़ा सा खाली होता है भागेंगे। यज्ञ खत्म हो गया, खाली मेला है, मिला छे तो चल मेला मेले घूमी गए, तो घर बुलाए थे काम करने के लिए। हम नीचे जा रहे थे ना, हाँ रे अच्छा बच्चा, और हम नाश्ता में बनाने लगे वही चीले जो कि सुबह में जिसका रेसिपी आप लोग साथ शेयर किए। गाइस पता है हमारे घर ना कुछ अप्सराएं आई है, हम मिलवाएं आपको, कुछ ज्यादा लोग हैं। हेलो अप्सराएं, कैसी हो गाइस? कैसी हो? चोरी नहीं किया अभी तक, चोरी नहीं किया, पता है ये लोग ना मेरे रूम में बैठी थी चोरी करने के लिए। बोलो जी कैसी हो? कैसी हो? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बोलो बहुत सुंदर, कैसे हो?
मतलब जैसे तैसे बैठे थे आप वीडियो बनाने लगे। कैसी है हीरोइन मेरी? बहुत अच्छे। ऐसे कौन पूछता है? हम पूछ रहे हैं मेरी प्यारी बच्ची कैसी हो? हमको धमकी दी है। कैसे हो प्रेम? लड़की नहीं आएगी तुम्हारे लिए। हमको पता है ऊपर आके क्या बोल रही है। सच है, अपना सच है। हम जाते मेला। मेरे भी शर्म है, मेरे बिना मेला घूम के बहुत गंदा भाग रहा है मच्छी के। हमको पता है ऊपर आके क्या बोली दीदी, गर्मी लग रहा है, हम पंखा में बैठे। बोले हाँ जाओ बैठो, सत्यम बोले सत्यम पीछे पीछे जाओ, देखते रहना कुछ न कुछ। हम लोगों को भी ट्रेनिंग मिला था कि क्या चोरी मत करना। दो साल का एक्सपीरियंस है ये, दो साल का एक्सपीरियंस है। चलो ठीक है गाइस, बैठो चिल मारो। वो बोली रूबी मेला आ जाएंगे, देखते हो अभी तक हम ड्रेस चेंज नहीं किया, गर्मी लग रहा है। बाकी हम दुकान में खा लेंगे क्या आया। 5 रुपए का बिकाजी का सोन पापड़ी लोज पीते हैं। हमको ये बहुत पसंद है गाइस। चीज खत्म होता नहीं कि हमको दूसरा चीज आता है, क्या ही बताया। सर में पता नहीं क्या हो गया, 4-5 दिन से चोट की वजह से अभी तक सर का दर्द ही नहीं कम हो रहा है। डेली डेली कुछ ना कुछ लेके सर में दर्द हो जाता है। विम सोच रहे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं मस्त, और कल करेंगे शैम्पू, और फिक्स होना होगा दर्द तो ठीक है, नहीं तो कोई ना। हमको लगता है डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एकदम पीछे का इतना ज्यादा दर्द होता है ना कि क्या ही बताएं। तो चलिए हम नहा के तो आ गए, और मस्त बालों में भी तेल लग गया, और अभी हम चले सोने। बट सोने से पहले अपने रूम में लगाएंगे पोछा। तो चलिए, और इसी के साथ आप लोगों से मिलेंगे सीधा कल सुबह 8:30 बजे एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। अभी मेरा वीडियोस भी एडिट हुआ नहीं, उसको भी करना है फटाक से। अभी बस 4 ही मिनट तक एडिट हुआ है, और टोटल 30 मिनट और बचाओ, यानी 1 घंटा लग जाएगा अभी ब्लॉग एडिट करने में। फटाफट से करेंगे उसको अपलोड करेंगे और चले जाएंगे सोने। रूम में मस्त अभी पोछा लगा दिए, और साथ ही में मूंग को फूलने देते हैं। तो पानी भी घट गया थोड़ा सा, पानी ऐड कर देते हैं। कल बनाएंगे मूंग का तड़का, इसके साथ इसमें आलू मिक्स करके बनाएंगे, फिर आप लोगों के साथ कल एक नया रेसिपी शेयर करेंगे। चलिए अब मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे। ओके बाय।